वैसे मैंने मेडिसिन बिल्कुल भी काम करना बंद कर गई थी। सिट्राजिन एक एक पहले एक गोली से ठीक हो जाता, अब मैं पूरा पत्ता खा जाता, कुछ नहीं होता। छींक तो दूसरे तीसरे दिन बंद हो गई। सांस में मतलब 70% ठीक है। आपको कैसा महसूस हो रहा है अगर आप ओवरऑल ट्रीटमेंट की बात करें? बढ़िया है सर। हाँ, बेहतर है, कारगर है। कारगर। जो आपकी तरह परेशान है उनको आप क्या क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं उनको कहूँ भी एक बार आकर यहाँ पर देखें, इलाज करवाएं, सही होगा जी। बढ़िया है। अगर आप भी नज़ले से परेशान हैं, यानी आपको छींकें आती हैं, नाक बहती है, नाक बंद रहती है, अगर ऐसी कोई समस्या है तो आप नज़ले से छुटकारा पा सकते हैं, वो भी विदाउट मेडिसिन के। ऐसे ही पेशेंट आज हमारे साथ है अक्षय, जिनकी एज है 23 और इनको बचपन से ये प्रॉब्लम थी नज़ले की। और लंबे समय से जब नज़ला रहता है तो सांस की दिक्कत, जो एलर्जिक अस्थमा जिसको बोला जाता है, उसके पेशेंट। हम डायरेक्ट अक्षय से ही बात करते हैं। क्या इनको पहले सिम्टम आते थे और अब ये कैसा महसूस कर रहे हैं, और पहले से इनको क्या क्या चेंज अपनी बॉडी में वो लग रहे हैं? स्टार्टिंग से आप बता दीजिए क्या क्या आपको दिक्कत थी और कहाँ कहाँ आपको। बचपन से ही सर नाक बहना, छींके वगैरह, और अब 2 साल से सांस की प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई है। तो मैंने बहुत जगह दवाई वगैरह ली, सोच कुछ नहीं हुआ सर। तो आप सिर्फ मेडिसिन लेते थे, साथ में इनहेलर वगैरह भी लेते थे? इनहेलर तो नहीं लिया सर, एक बार ही लिया, और मेडिसिन बहुत लिया। हो कितना टाइम हो गया आपको मेडिसिन लेते हुए? गई सर 10-12 साल तो दस रहा। बारह साल हो गए। तो आपको पहले सिम्टम की अगर हम बात करें तो क्या क्या सिम्टम आपको पहले आते थे? पहले जी छींक और नाक से पानी, आँखों से पानी बहना, पहले तो ये थे सर। फिर अब वो सांस की प्रॉब्लम आने सांस लगी। की प्रॉब्लम। यहाँ आने के बाद में कोई आपको क्या चेंजेस आपको पहले से लग रहे हैं कि ये सर हमें इफेक्ट लग रहा है या इसमें चेंज लग रहा? अब सर वैसे नाक बहना, छींके वगैरह ये तो बिल्कुल बंद हो गई है। बिल्कुल बंद हो गया। ये हाँ, कितने टाइम से थी आपको? हो 22-23 साल हो गई बाईस सर। तेईस साल से। ठीक है। और सांस में थोड़ी अब वैसे पहले से तो काफ़ी ठीक है, थोड़ी दिक्कत रही है अब। ठीक है। तो इसके लिए सिर्फ और आपने मेडिसिन ली या कोई आयुर्वेदिक या होम्योपैथी ट्रीटमेंट भी आपने ट्राई किया? आयुर्वेदिक भी लिए सर, ये माइक लीजिए। आयुर्वेदिक भी लिया मैंने, ठीक है। और देसी दवाई भी ली है, और वैसे ट्रीटमेंट भी करवाया था। ठीक है। तो अभी यहाँ आने के बाद में कोई हमने कोई मेडिसिन आपको दी हो या कोई आपको नहीं सर, इंजेक्शन दिया हो, नो कैसे हम सर, लोग ट्रीटमेंट करते हैं? एक्यूवेंचर थेरेपी से करते हैं सर अच्छा, आपको कैसा महसूस हो रहा है अगर आप ओवरऑल ट्रीटमेंट की बात करें? तो जी। अभी तक आपकी 8 सीटिंग हुई है, हाँ जी, 8 सीटिंग अभी तक आपकी हुई है, तो अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है इससे? पहले से बेहतर है सर, पहले से बेटर। बहुत अगर ज़्यादा ओवरऑल बात करें तो कितना परसेंट आप कहेंगे कि बेटर फील कर रहे हैं? सर। छींक और नाक वगैरह में तो 90% ही है, ठीक है, और उसमें 60-60% साठ सर परसेंट सांस कैस क्या वगैरह लग रहा है कि ये ट्रीटमेंट मेडिसिन से बेहतर है? बढ़िया है सर। बेहतर है, हाँ, कारगर है। कारगर। देखिए, ये थे हमारे साथ पेशेंट अक्षय, और काफ़ी लंबे समय से परेशान से 10-10 साल तक मेडिसिन लेना और ऐसी प्रॉब्लम के लिए जिसका सॉल्यूशन एक्यूपंचर और मैग्नेट थेरेपी में है, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है पेशेंट के लिए। थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ता है आपकी एलर्जी के अकॉर्डिंग, कि आपको जितना एलर्जी लेवल है। अगर हम अक्षय की एलर्जी लेवल का बात करें तो इनका एलर्जी लेवल था 253, 253 एलर्जी लेवल था, जो 100 से डाउन होना चाहिए। एलर्जी लेवल नॉर्मल था, लेकिन इनको लंबे समय से प्रॉब्लम होने की वजह से सांस में भी दिक्कत है, पिछले 2-2.5 साल से इनको आने लगी थी। अब धीरे धीरे यही प्रॉब्लम है पेशेंट को आगे जाके दमा का रूप ले लेती है, लेकिन टाइम रहते इन्होंने अपना जो ट्रीटमेंट है वो लिया है। और अब नज़ले की अगर मैं बात करूँ, एलर्जी की बात करूँ, तो एकदम नॉर्मल है, लेकिन जो अभी सांस की दिक्कत है वो अभी थोड़ी सी बाकी है, क्योंकि लंबे समय से एलर्जी से पेशेंट था। तो लंग्स हैं हमारे थोड़े वीक हो जाते हैं, उनका फंक्शन है थोड़ा सा वीक हो जाता है, इसकी वजह से लंग्स की या सांस की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कवर होती। तो आप इतनी दूर से आए हैं पंजाब से, यहाँ से कितना डिस्टेंस पड़ता है? यहाँ से सर 150 किलोमीटर है। 150 किलोमीटर पड़ता है। जी। तो और लोग जो आपकी तरह परेशान हैं उनको आप क्या क्या सजेस्ट करना चाहेंगे?
मैं उनको कहूँ भी एक बार आकर यहाँ पर देखें, इलाज करवाएं, सही होगा जी, बढ़िया है। क्योंकि आपने 10 साल तक ट्रीटमेंट लिया है और जिन पेशेंटों को अभी अभी स्टार्ट हुआ है या अभी 2-3 साल से हैं, तो उनको ऐसे लगता है कि हम वहाँ से ट्रीटमेंट लेंगे या दूसरी जगह से मेडिसिन लेंगे तो शायद हम ठीक हो जाएंगे, ऐसा आपको भी लगता था पहले? पहले तो लगता था सर, पर नहीं, मैंने बहुत जगह दिखा ली, और जैसे स्टेरॉयड का भी उपयोग करते हैं उससे ज़्यादा दिक्कत होने लगी है अभी। ज़्यादा एक बार तो सही हो जाता है सर, पहले मैंने इंजेक्शन लगवाया 6 महीने सही रहा, फिर 1 महीने, फिर 15 दिन पर आ गया। देखिए, अक्सर जो पेशेंट, काफ़ी पेशेंट और भी बताते हैं कि सर इंजेक्शन लिया, 6 महीने हो गए, कोई तकलीफ नहीं, फिर दोबारा से इंजेक्शन लिया, तो उसका जो टाइम पीरियड है ना, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। जैसे एक्शन ने हमें बताया कि पहले 6 महीने था, फिर उसका महीने भर रहा, फिर 15 दिन, और फिर उससे भी कम होता चला जाएगा। तो ऐसा ट्रीटमेंट आपको नहीं लेना है, ऐसे ट्रीटमेंट से आपको बचना है। कोशिश करें कि जो भी ट्रीटमेंट आप लें, नेचुरल तरीके से आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने की कोशिश करें, और हम भी यहाँ पर नेचुरल तरीके से ही जो प्रॉब्लम होती है उनको सोल्व करते हैं, जैसे एक्यूपंचर है, मैग्नेट थेरेपी है। इसमें किसी भी टाइप की कोई मेडिसिन वगैरह नहीं दी जाती है, और नेचुरल तरीके से आपके जो बॉडी के एक्यूपॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर स्टिमुलेशन से और मैग्नेट थेरेपी से आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व किया जाता है। और कुछ सजेशन जो आप देना चाहते हैं? यहाँ पर आकर देखें, बढ़िया होगा जी वहाँ से। तो वैसे मैंने मेडिसिन बिल्कुल भी काम करना बंद कर गई थी, सिट्राजिन एक एक पहले एक गोली से ठीक हो जाता, मैं पूरा पत्ता खा जाता, कुछ नहीं होता उससे। हाँ कुछ नहीं होता था। जब ये बिल्कुल, आपको स्टार्टिंग में जब आपने मेडिसिन लेनी शुरू की थी, तो उस समय सिट्राजिन से कितने दिन इफेक्ट रहता सिट्राजिन से पहले तो बहुत रहता था, हफ्ता हफ्ता निकल जाता था एक था? और सिट्राजिन, अब अब तो एक दिन में पूरी 10 गोली खा जाता तो अभी ठीक नहीं होता। तो भी ठीक है। देखिए, बहुत ही अच्छी इन्होंने एक बात बताई है, जो काफ़ी अक्सर जो बहुत सारे ऐसे पेशेंट मिलेंगे ना जो मेडिसिन लेते हैं और 1 हफ्ता तक ठीक रहते हैं, 10 दिन तक ठीक रहते हैं, 15 दिन तक ठीक रहते हैं, लेकिन एक समय के बाद में ऐसा होगा जब एलर्जी आपकी और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि जो मेडिसिन है वो आपकी प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर रही है, वो आपकी प्रॉब्लम को दबा रही है। तो जब तक आप मेडिसिन ले रहे हैं तब तक उसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं कि पहले आपको 1 हफ्ता रिलीफ रहता था, तो धीरे धीरे वो रिलीफ आपको कम होना शुरू हो जाएगा। अब आप मेडिसिन लेंगे तो हो सकता है आपको 5 दिन रिजल्ट मिले, उसके बाद में थोड़े दिन बाद आप देखेंगे हो सकता है आपको 3 दिन रिलीफ मिले, फिर धीरे धीरे जैसे अभी अक्षय ने बताया कि अगर ये एक दिन में पूरी पत्ता यानी 10 मेडिसिन भी एक साथ ले लेंगे तब भी इनकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं होगी। तो इससे क्या है, वो मेडिसिन है आपके शरीर के ऊपर काम करना बंद कर गई। तो ऐसे ही बहुत सारे पेशेंट भी ऐसे ही मेडिसिन लेते हैं लंबे समय से और परेशान रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको परमानेंट सॉल्यूशन है वो नहीं मिलता। अक्षय, यहाँ आने के बाद में आपको कितने दिन बाद रिजल्ट मिलना शुरू हो गया था? 4 दिन बाद शुरू हो गया था जी। 4 दिन बाद शुरू हो हाँ, गया था। छींक तो दूसरे तीसरे दिन बंद हो गई थी, ठीक है, पर सांस में मतलब 70% ठीक है। 70%। देखिए, बहुत सारे पेशेंट जल्दबाजी भी करते हैं और वो हैं जिनकी प्रॉब्लम लंबे समय से होती है, लेकिन वो जल्दी थोड़ा चाहते हैं कि एक थेरेपी में, दो थेरेपी में, तो काफ़ी बार पेशेंट की बॉडी रिस्पोंड नहीं करती है। तो थोड़ा सा टाइम आप जरूर निकाल के आए, क्योंकि इतने लंबे समय से आपको प्रॉब्लम है, जैसे अक्षय की आज 8वीं सीटिंग है, तो 8 दिन इनको कंटिन्यू होगी ट्रीटमेंट लेते हुए तो ये इस रिजल्ट तक पहुँचे। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप विजिट करें SMT क्लिनिक में। 3 हमारी ब्रांच है, गुड़गांव में, हिसार में और उत्तराखंड में। तीनों के एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। 7 डेज हमारा ओपन रहता है, टाइमिंग और जो डिटेल्स है वो आप हमें डायरेक्ट कमेंट कीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपनी अपनी जो प्रॉब्लम है उसको भी शेयर करें, क्या क्या आपको प्रॉब्लम रहती है, और उसके बारे में आप जो हमारी टीम है उससे राय ले सकते हैं कि किस समय आप डॉक्टर साहब को दिखाने आएंगे या किस दिन आपको मिलेंगे। वैसे 7 डेज हमारा क्लिनिक ओपन रहता है। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी है तो बिल्कुल आप इसको शेयर करें और लोगों तक भी पहुँचाएँ, ताकि जो लोग परेशान हैं लंबे समय से, जैसे अक्षय परेशान थे, और 23 इनकी एज है, और 20 साल अगर हम मोटा मोटा लेते हैं तो एक लाइफ का बहुत बड़ा पीरियड, या कहें कि एक गोल्डन पीरियड है, वो निकल जाता है। क्योंकि उसी एज में स्टडी भी करना होता है, उसी एज में जॉब के लिए भी आपको ट्राई करना रहता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम है उनको फेस करना पड़ता है जब आपके साथ में एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है तो। लेकिन उसका सॉल्यूशन है, आप आएँ और अपनी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन पाएँ। थैंक यू।